हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलेश सर और आप देख रहे हैं सर एडुटेक चैनल। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि गूगल क्लासरूम के अंदर जो असाइनमेंट आते हैं वो असाइनमेंट में वो जब सबमिट कर रहे हैं उनका जो भी असाइनमेंट है होमवर्क, तो वो सीधा क्लासरूम में जा रहा है, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में नहीं जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला देखिए, आप लोग गूगल क्लासरूम ओपन करना है। अभी यहाँ पर नीलेश सर्स कॉमर्स क्लासेस करके ये है एक, जिसके अंदर असाइनमेंट आपको इस तरीके से दिखता है। न्यू असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 11 फाइनल अकाउंट करके दिख रहा है, न्यू असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल अकाउंट करके दिख रहा है, और एक मटेरियल क्रिएट किया है, न्यू मटेरियल इको रेड्यूस पार्ट। ठीक है, अभी आपको कभी भी जब असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप गलती क्या करते हैं, आप ऊपर जो लिखा है शेयर विद योर क्लास, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आपका जो भी असाइनमेंट का नाम है आप वो नाम लिखते हैं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज। ठीक है, ये आप लिखते हैं और फिर ये पिन में से आप अटैच करते हैं जो भी आपको अटैच करना है, आपका फ़ोटोज़ वगैरह जो आपने क्लिक किया है, और आप सेंड कर देते हैं। ये सेंड करने की वजह से आपको होमवर्क, आपका सेंड किया हुआ डिटेल्स इस तरीके से दिखता है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि ये आपने सेंड किया। ठीक है, 1 अटैचमेंट, और ये जो गया है आपका असाइनमेंट ये एक्चुअली क्लास में चला गया, क्योंकि उधर लिखा था शेयर विद योर क्लास, आपने क्लास के साथ शेयर किया है, तो ये सामने वाले को कैसे दिखेगा, यानी कि जो भी सर टीचर को आपने भेजा है वो कैसे दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये क्लास के अंदर आया है, वो किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर नहीं आया है। तो क्लास में आने की वजह से आपके टीचर क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि क्लास में तो उन्होंने मंगाया नहीं था इसको, इसको उनको ये असाइनमेंट के अंदर चाहिए। ठीक है, तो असाइनमेंट के अंदर कैसे भेजना है आपको, देखिए असाइनमेंट में कैसे भेजना है, आपको जो भी असाइनमेंट आता है आपको उस असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने का नीचे आपको योर वर्क दिख रहा है और ऊपर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, उस एरो पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऐड अटैचमेंट करके आपका जो भी फाइल है वो आपको अटैच करना है। ठीक है, जो भी PDF बनाया है या फ़ोटोज़ क्लिक किया है आपने, या ऑन द स्पॉट फ़ोटो क्लिक करना है तो टेक फ़ोटो पे सिलेक्ट करके आप ऑन द स्पॉट फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और फिर वो अटैच हो जाने के बाद टर्न इन करना है आपको। ठीक है, तब जा कर के आपका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, अंडरस्टूड, और ऐसा लिख के आएगा टर्न इन, अगर लेट सबमिट किया तो डन लेट लिख करके आएगा। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तब वो टीचर को असाइनमेंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, वो क्लासरूम के बाहर चला जाएगा और आप मिसिंग में चले जाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा, और भी वीडियोस गूगल क्लासरूम से रिलेटेड मैंने पोस्ट किए हैं, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू।